Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हाय एवरीवन, तो जैसे आप सबको पता ही है कि रैंक बूस्टर सीरीज हमारी चल रही है यूट्यूब पे, ठीक है। तो अब नंबर में ये रैंक बूस्टर 5 है, ठीक है। टोटल हम 4 कवर कर चुके हैं अल्टरनेटिवली, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो अगर आपने पिछले वाले रैंक बूस्टर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, तो आप पिछले वाले रैंक बूस्टर एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम फिजिकल का जो है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे किस चीज़ का कॉन्सेप्ट है, बर्ड स्पॉनर प्लॉट का, ठीक है। अब क्वेश्चन रीड करो, CSIR जून 2019 का है क्वेश्चन, बर्ड स्पॉनर प्लॉट बिटवीन जो आपका एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है। अब इसमें इसको बताने से पहले ना मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पहले इंट्रोड्यूस कर दूं। आपके पास बेसिकली आपको बताया कि अगर हम वाइब्रेशनल एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं ना, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में ना कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको बताया इसका प्लॉट किस तरह दिखता है, इसको थोड़ा सही से दिखाएं, इसका प्लॉट किस तरह दिखता है। इसका प्लॉट दिखता है लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पे आपका से फॉर एग्जांपल आर है, तो यहाँ पे आपका जो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर वी इक्वल टू जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे 0 पॉइंट एनर्जी आएगी। देन उसके बाद आपका 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग, लाइक दिस, है ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप हायर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर्स पे जाते हो ना, जो आपका एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप किसकी बात कर रहा हूँ, जो कंजेगेटिव एनर्जी लेवल्स है ना उनकी बात कर रहा हूँ, उनके बिटवीन जो आपका एनर्जी गैप होता है ना वो डिक्रीज होता रहता है। आपको लग रहा है, पता है ना, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, उसकी इक्वेशन भी है। जब हम एक्चुअल में मतलब यहाँ पे ड्राइव करेंगे ना, वैसे थ्योरी का पार्ट ही है ये, इनको ये भी नहीं देना चाहिए था, बिकॉज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में एज ए फंक्शन ऑफ वी आपका एब्सोल्यूट एनर्जी लेवल आपके ये आते हैं, ठीक है। हार्मोनिक के केस में तो आपका सिंपली यही होता है, वी प्लस हाफ इंटू ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये आता है, और यहाँ पे फ़र्क क्या होता है कि यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में आपकी जो ओमेगा होती है वो सेम रहती है। अगर आप हायर वाइब्रेशनल लेवल पे भी जाओगे ना, आपकी ओमेगा सेम ही रहेगी, और वहाँ पे जो एनर्जी गैप भी होता है वो भी सेम रहता है, राइट। हार्मोनिक के केस में वो कॉन्सेप्ट है, बट एन हार्मोनिक के केस में कुछ चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? एन हार्मोनिक के केस में सबसे पहले जो गैप है वो डिक्रीज करता है विद अ हायर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, और यहाँ पे जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है वो भी डिफरेंट होती है हर वाइब्रेशनल लेवल पे। होता क्या है, जब मॉलिक्यूल बेसिकली आईआर रेडिएशन अब्सॉर्ब करेगा ना, तो क्या होगा कि उसका जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का वो चेंज हो जाएगा, उसकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे जो ओमेगा होती है, इट इज़ कॉल्ड ओमेगा ई, ठीक है। ओमेगा ई मीन्स के इक्विलिब्रियम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे जो डिसोसिएशन एनर्जी का फॉर्मूला दिया हुआ है ना, दैट इज ओमेगा ई अपॉन 4 का ई, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है, प्लॉट दिया हुआ है इसके इन बिटवीन और वी प्लस 1 के इन बिटवीन फॉर CO। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्लोप ऑफ -14 सेंटीमीटर इन वर्स, और इंटरसेप्ट आपका इतना है। तो आपको क्या निकालनी है, डिसोसिएशन एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एनर्जी डिफरेंस जो आप निकालोगे वो आप कैलकुलेट कर लो, वो किसके इक्वल आएगा। देखो, जब आप एनर्जी वी प्लस 1 लेवल की भरोगे इस फॉर्मूला में, तो वी की जगह वी प्लस 1 भरोगे तो आपके पास क्या आएगा, वी प्लस 3/2 इंटू ओमेगा ई, ठीक है। माइनस यहाँ पे भी आपके पास आएगा वी प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू काई इंटू ओमेगा ई। इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे किससे, जब आप सिंपली वी पुट कर दो, तो वी पुट कर दोगे तो आपके पास आएगा वी प्लस हाफ। ऐसे ये थ्योरी का पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसको। अब देखो, बेसिकली आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आएगा ओमेगा ई, कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आपके पास आएगा वी प्लस 3/2 माइनस वी माइनस हाफ। तो यहाँ से तो आपको आ गया ओमेगा ई, ठीक है। वी की वी से कट गया, 3/2 माइनस 1/2 1 हो गया, और यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आप माइनस ऑफ का ई इंटू ओमेगा ई कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आएगा, वी प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे फ्रॉम वी प्लस हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा लो, सिंपल मैथमेटिक्स है यहाँ पे, तो आपके पास क्या आएगा, वी स्क्वायर प्लस 9/4 प्लस 3V, और यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ वी स्क्वायर माइनस ऑफ 1/4 और माइनस ऑफ वी, तो आपके पास 3V माइनस वी, यहाँ पे आ गया आपका 2V, वी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे आपके पास आ गया बेसिकली 2V प्लस 2। सो ओमेगा ई माइनस काई इंटू ओमेगा ई, तो आपके पास क्या आ गया बेसिकली, यहाँ पे 1 नहीं है तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 2 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया आपका V प्लस 1,
तो ये आपका एनर्जी एक्सप्रेशन आ गया, राइट। अब इसमें क्लियरली पता लग रहा है, इसका हम प्लॉट भी करते हैं। देखो मैं नेक्स्ट पे करता हूँ। देखो आपने प्लॉट करना ना, सबसे पहले आप इक्वेशन लिखो, जो आपका डेल्टा जी वी प्लस हाफ है वो किसके इक्वल है। सबसे पहले वो इक्वल है ओमेगा बारी माइनस टू ओमेगा बारी इंटू काई वी प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्चुअल बर्ड स्पॉनर प्लॉट होता है ना, वो किसके इन बिटवीन होता है मैं बताता हूँ। डेल्टा जी जो आपका एनर्जी डिफरेंस है उसको आप प्लॉट करते हो एक्चुअल में अगेंस्ट द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर वी। यहाँ पे आप किस तरह प्लॉट कर रहे हो, अगेंस्ट वी प्लस वन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस स्लोप और इंटरसेप्ट का फर्क पड़ेगा, ठीक है। मतलब प्लॉट दिखेगा एक जैसा ही, मेरा मतलब है कहने का, मीन्स कि आपका प्लॉट ऐसा ही दिखेगा। अब इसे आपको क्लियरली पता लग रहा है क्या, कि अगर आप वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर इंक्रीज करोगे, वी अगर आप इंक्रीज करोगे, तो आपका जो एनर्जी डिफरेंस है वो डिक्रीज करता जाएगा, राइट। अब अगर मैं इस प्लॉट की बात करता हूँ, इस केस में तो आपका ये आपका वाई हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपकी ये स्लोप हो गई, आप ये एज अ एक्स है ना, और ये आपका बेसिकली वाई इंटरसेप्ट हो गया। तो वाई इंटरसेप्ट आपका किसके इक्वल है, ओमेगा ई के, जिससे आपको इक्विलिब्रियम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी मिलेगी। और जो आपकी स्लोप होगी इस केस में, स्लोप आपकी नेगेटिव है ना, तो स्लोप आपकी किसकी इक्वल आएगी, माइनस ऑफ टू ओमेगा ई इंटू काई। अगर आप इस तरह प्लॉट करते हो तो आपको सिंपली इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है। सो डेल्टा जी जो आपका एनर्जी डिफरेंस है वो किसके इक्वल आएगा, ओमेगा ई माइनस टू ओमेगा ई इंटू काई वी माइनस टू ओमेगा ई इंटू काई। अब इन दोनों को आप क्लब कर दो, तो ओमेगा ई आपने कॉमन ले लिया तो वन माइनस टू काई, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, माइनस ऑफ टू ओमेगा ई इंटू काई वी। तो यहाँ पे भी अगर आप प्लॉट करोगे तो आपका ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है, तो आपकी स्लोप इस केस में ये आएगी और आपका इंटरसेप्ट इस केस में ये आएगा, ठीक है, आपका इंटरसेप्ट इस केस में ये आएगा। तो बर्ड स्पॉनर प्लॉट आपने इस तरह देख लेना, वही आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब मैंने आपको बताया, ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। अब इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब उसमें क्या है, देखो आपको ओमेगा ई और काए तो आपको मिल जाएंगे ना, आपको प्लॉट पता है, आपको प्लॉट ये वाला दिया हुआ है। अब इसमें देखो आपको इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, माइनस ऑफ 14 सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी स्लोप आपको इतनी दी हुई है, तो स्लोप आपकी कितनी है, माइनस ऑफ 2 ओमेगा काए इंटू ओमेगा ई इंटू काए, वो किसकी इक्वल है, माइनस ऑफ 14 सेंटीमीटर इनवर्स की। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, ओमेगा ई इंटू काए की वैल्यू वो कितनी आएगी, 14 डिवाइडेड बाई 2 तो आपका आ गया 7, ठीक है। तो काई की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 7 डिवाइडेड बाई ओमेगा ई। तो ओमेगा ई कहाँ से आएगी, ओमेगा ई तो देखो डायरेक्ट इंटरसेप्ट से आ जाएगा ना, यहाँ से आपको पता लग गया ओमेगा ई आपका इंटरसेप्ट है, और इंटरसेप्ट आपका किसके बराबर है, 2170 सेंटीमीटर इनवर्स के। तो ये किसके इक्वल आ गया, 2170, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स आपका कट हो गया। तो आपका काय है कि आपको पता है यूनिट्स नहीं होते, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट आप इस तरह लिख दो, राइट। उसके बाद आपको क्या निकालनी है, आपको डिसोसिएशन एनर्जी निकालनी है। अब इसमें मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूँ जो डिसोसिएशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। देखो अगर मैं प्लॉट करूँ ई को किसके अगेंस्ट, वही जो हमारा मोर्स पोटेंशियल कर्व है, तो हमारा कर्व कुछ इस तरह दिखता है, राइट। अब इसमें देखना दो तरह की डिसोसिएशन एनर्जीज हैं, एक जो इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं इसको, ये हम कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम दिस लेवल, ठीक है, जो आपका बेसिकली टच कर रहा है ना लेवल, वही है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना ऑसिलेशन की, दैट्स कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। बट एक्चुअल में आपका मॉलिक्यूल कहाँ पर रिजाइड कर रहा है, जीरो पॉइंट एनर्जी है ना मॉलिक्यूल की, मीन्स के मॉलिक्यूल रिजाइड कर रहा है एट वी इक्वल टू जीरो स्टेट, मॉलिक्यूल तो इस पर रिजाइड कर रहा है। सो जो मॉलिक्यूल की ये आपकी डिसोसिएशन लिमिट है, ये आपकी क्या है, डिसोसिएशन लिमिट, मीन्स के कोई वी मैक्स होगा जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका मॉलिक्यूल क्या कर जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा। अब जो आपकी एक्चुअल में डिसोसिएशन एनर्जी है ना, वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल, डी नॉट। अब यहाँ पे जो आपको वैल्यू दी हुई है ना, ये आपको दी हुई है डी इक्विलिब्रियम, बिकॉज इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी ओमेगा ई होगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी ओमेगा ई होगी अगर हम एक्चुअल में बात करें तो, ये है। तो आपने देखा ही दैट आपने काए किसके इक्वल निकाल लिया, काए आपने निकाल लिया इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 2170, ठीक है, और आपने ओमेगा ई किसके इक्वल है, 2170 के। तो यहाँ पे पुट कर दो, सो डी इक्विलिब्रियम किसके इक्वल आ जाएगी, ये डी इक्विलिब्रियम होती है, दैट इज़ नॉट डी नॉट। अगर आपको डी नॉट निकालनी है ना, तो डी नॉट के लिए आपको बेसिकली सब ट्रैक करनी होगी जो आपकी एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द जीरो पॉइंट स्टेट है,
0.8 के कॉरेस्पॉन्डिंग वी इक्वल टू 0 पुट कर दो, मीन्स मैं अगर डी नॉट बोल रहा हूँ वो किसकी इक्वल आएगी, जो आपकी ये है इससे आप बेसिकली 0 एनर्जी से प्रेक करोगे, ठीक है। तो 0 एनर्जी ये आ गया आपका ओमेगा ई अपॉन 4 का ए, यहाँ से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी बेसिकली इक्वल टू ओमेगा बार ई, ठीक है, माइनस ऑफ, वहाँ पे आपके पास आ गया बेसिकली हाफ ऑफ ओमेगा बार ई इंटू काई, ठीक है। तो इसको आप बेसिकली उससे सब्ट्रैक्ट करोगे, हाँ जब आप वी इक्वल टू 0 पुट करोगे यहाँ पे आपका 1/4 आएगा ना, बिकॉज आप स्केयर करोगे तो आपके पास आएगा ये, और एक सेकेंड, मतलब यहाँ पे जब आपने v इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ पे आपके पास आएगा हाफ ऑफ ओमेगा e, और यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ 1/4 ओमेगा e इंटू काई, तो ये आपकी 0 एनर्जी होती है, उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे फ्रॉम दिस, तभी आपकी आएगी एक्चुअल डिसोसिएशन एनर्जी। तो आप निकाल लो इसको, तो आपका ओमेगा ई कितना है 2170 डिवाइडेड बाय 4, और आपका काई कितना है 7, और 2170 आपका ऊपर चला गया, राइट। तो आपकी जो वैल्यू आएगी, सो वैल्यू विल कम इन बेसिकली सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, बिकॉज ये आपका सेंटीमीटर इनवर्स में था, ये यूनिटलेस था आपका, तो सेंटीमीटर इनवर्स में आपकी कितनी आएगी, इसको आप इवेल्युएट कर लेना, आपके पास आएगा 168175 सेंटीमीटर इनवर्स, तो वो आपकी एक्चुअल में डी इक्विलिब्रियम जो आपने निकाली है, सो डी इक्विलिब्रियम आपकी कितनी आ गई, सी, राइट। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को मतलब एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इसमें इन्वॉल्व थे, राइट।